कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा 2019 में न्यूजीलैंड ने हमको वर्ल्ड कप से बाहर किया था सेमीफाइनल में हराकर। और दोस्तों, उसका बदला लेने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, कल हमारी टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 2019 का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्रेंड्स, आपको पता, इस बार टीम इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि कोई सी भी टीम हमारी टीम इंडिया को नहीं हरा पाई और एक तरफा सारी टीमें मुकाबला हार गई हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स, दोस्तों जितनी भी टीम है हमारी टीम इंडिया ने सबको हराया, वो भी एक तरफा। फ्रेंड्स, हमारी टीम इंडिया के सारे बैट्समैन काफी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। चाहे शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा एंड गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, कल बहुत बड़ा मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड का। और दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से भी काफी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला जब से केन विलियमसन की वापसी हुई है। दोस्तों, आपको पता है, न्यूजीलैंड ने हमें कई बार हराया है ऐसे ही मैच में जहां पर हमको जीत की उम्मीद होती है, लेकिन न्यूजीलैंड हमको हराकर सबका दिल तोड़ देती है। लेकिन इस बार हमारी टीम इंडिया के सारे प्लेयर्स पूरी तरह से तैयार हैं 2019 का बदला लेने के लिए। और दोस्तों, कल हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे तो हम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होगा, विराट कोहली के ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन है। वहीं पर गेंदबाजी मोहम्मद शमी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं एंड मोहम्मद सिराज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और कुलदीप और जडेजा तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं। और फ्रेंड्स, बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल ने सेंचुरी लगाकर प्रूफ कर दिया कि वह अब वर्ल्ड कप जीत कर ही लौटेंगे, क्योंकि हमारी टीम इंडिया वैसी कोई सी भी टीम नहीं है। इस बार वर्ल्ड कप में सारे प्लेयर्स काफी अच्छी फॉर्म में और काफी अच्छे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। दोस्तों, कल जो मुकाबला होगा उसमें देखने वाली बात हुई कि विराट कोहली सेंचुरी लगा पाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद कल के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पर रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली ऐसे बैट्समैन है जो अगर 10-12 गेंद खेल गए तो न्यूजीलैंड का कोई सा भी गेंदबाज उनको जल्दी आउट नहीं कर सकेगा और हम सेमीफाइनल मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी टीम इंडिया कल का मुकाबला जीतने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कल कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, कमेंट्स करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा न्यू चैनल, इसको आप 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल इंडिया की जीत के बाद। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।